गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नाउ दिस वीडियो एक्सएस क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी. सो स्टार्ट. फर्स्ट वी मेक फिगर. वी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. Given in the question, in triangle ABC, right angle at B. So this is a right angle. And opposite to right angle is a hypotenuse. Opposite to right angle hypotenuse. And you already know that a Pythagoras theorem. Hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल इन दिस क्वेश्चन. हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. सो फर्स्ट हाइपोटेनियस इन द ट्राइंगल ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर. दिस वन 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर. टू फाइंड ए सी इन दिस थ्योरम पुट द वैल्यू ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर बी सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 एंड 7 स्क्वायर 49, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 10 11 22 625, AC स्क्वायर इक्वल टू 625, AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 625, जिसे जाए 25, 625 का स्क्वायर रूट 25, सो AC इज 25 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 25 सेंटीमीटर. We use Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to sum of square of other two sides. So, then sin A, हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने sin A की बात कर रहे हैं, ये आ रहे हैं एंगल की, तो इसकी अपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर. Then remaining side is base. जब हम साइन ए की बात करें, ए रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ए ले के जब बात करेंगे तो ये साइन ए इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. तो साइन ए पिछले वीडियो में बताए थे इसकी ट्रिक, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला. यानी साइन थीटा ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. यानी कि साइन ए हो गया बीसी, साइन ए हो गया बीसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एसी. यानी 7/25 एंड कॉस ए 20/हाइपोटेनियस. बेस अपॉन यानी ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए सी. ए बी मीन्स 24 अपॉन 25 एंड अब हम बात करेंगे साइन सी एंड साइन सी की एंड साइन कॉस सी. एंड साइन सी
देखिए जब हम साइन सी की बात करेंगे तो इस फिगर को फिर से देख लेते हैं। जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी से राइट एंगल एट बी, इसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे इस एंगल अकॉर्डिंग फ्रॉम दिस फिगर, देन इन दिस केस दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज फिक्स एंड दिस वन इज बेस। और रेशियो के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। सो साइन सी के लिए जब हम साइन सी फाइंड आउट करेंगे, इन दिस केस पर बेस अपॉन पर फिर से इस ट्रिक को आप याद रखें, पी वी बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अब इस केस में परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ए बी यानी 24 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 25 एंड कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस। अब इस फिगर को देखिए, बेस मतलब बेस बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, बी सी अपॉन ए सी यानी 7 अपॉन 25। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू।